देखिए टनल डायोड, टनल टनलिंग करना मतलब होल करना, ओके। बहुत ज्यादा टनल होता है, गुफा वगैरह में टनल होता है ना, पहाड़ वगैरह में गुफा जो बना रहता है जिसके थ्रू आप इधर से उधर निकलते हैं, डेट इज टनल, टनलिंग इफेक्ट, ओके। यहाँ पे टनल डायोड रखने का नाम हुआ कि यहाँ पे जंक्शन जो है ये टनल करते हुए जो है चार्ज पार्टिकल पास हो जाता है। हाउ हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। टनल डायोड क्या है, इसको हम लोग ईसाकी डायोड भी कहते हैं, ईसाकी, इसको हम लोग ईसाकी डायोड भी कह रहे हैं, ओके। ईसाकी डायोड जस्ट विद द रिगार्ड ऑफ द फिजिसिस्ट, जो भी हमारे फिजिसिस्ट थे उनके और रिगार्ड देते हुए है ना, टनल डायोड जो है याद रखेंगे, पहला आप मैंने आपको ये बताया, दूसरा वो गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का बना होता है, ये भी आपका सेमीकंडक्टर कंपाउंड से, ओके। टनल डायोड आर मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल, लेकिन कमर्शियली जो आपका अवेलेबल होता है, ओके, वो कमर्शियली है ना, कमर्शियली जो है अवेलेबल होता है वो है जर्मेनियम की, यानी कि कमर्शियली आपका अवेलेबल होगा वो जर्मेनियम से बना होगा, ओके। लेकिन सिलिकॉन का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, याद रखें। टनल डायोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड, क्यों अभी लोग बात करेंगे। नाउ सबसे पहले आप याद रखेंगे है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर कंपाउंड दैट इज द गैलियम आर्सेनाइड, ओके, एंड इट मे बी मेड अप ऑफ जर्मेनियम, बट सिलिकॉन इज नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड, ओके। नाउ टनल डायोड जो है वो हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, हैवली डोप्ड, जिसमें डोपिंग लेवल जो होता है 1:10^3 होता है, ओके, 1:10^3 होता है, दैट इज हैवली डोप्ड, यानी कि यहाँ पे हैवली डोप्ड को देखो हम इंडिकेट किए यहाँ पे P प्लस और N प्लस, प्लस मतलब हैवली डोप्ड, और ऑफ यू नो नहीं, प्लस मतलब हैवली डोप्ड, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस डायोड को हम लोग बोल सकते हैं P प्लस N प्लस डायोड, बोल सकते हैं P प्लस N प्लस डायोड है ना। नाउ अब क्योंकि हैवली डोपिंग किए हुए हैं इससे डिप्लेशन लेयर का विड्थ इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, टेल मी, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत कम होगा है ना, थैंक यू, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत कम होगा जिसका विड्थ जो है नियर अबाउट 100 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10^-10 मीटर, ओके। यानी कि यहाँ पे जो विक्त है हम लोग विक्त को कम करते हैं सो डेट की टनल करने में इलेक्ट्रॉन का टनलिंग इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट होता है, ऐसा फील करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन को जो क्रॉस करता है वो टनल्ड करते हुए करते है, इतना फास्ट करता है, ऐसा फील होता है ना, जैसे फैन हमारा घूम रहा है, ओके, तो जो फैन जितना ज़्यादा तेज से मूव करेगा तो क्या उसका ब्लेड नजर आएगा, आप उसके आर पार देख सकते हैं कि ऊपर में क्या है, ओके। दिस फील्स लाइक द टनलिंग, हम लोग लग रहा है कि इधर से लोग आर पार देख रहे हैं, बीच में कुछ है नहीं, लेकिन है, ब्लेड है वहाँ पे है ना, वही अगर धीरे धीरे चलेगा तो आप उसको फील कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही कारण है कि हैवली डोपिंग होने के कारण जो है, ओके, वहाँ पे टनलिंग इफेक्ट होता है, कैसे होता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर है वो एक्चुअली जो है वो इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट है, ओके, ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ के नियर अबाउट जो है उसका विड्थ आता है डिप्लेशन लेयर का। अब टनल डायोड को हम लोग डायोड का जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं सबसे पहले अभी तक वो स्विचिंग एक्शन के लिए यूज करते हैं, आपको याद होगा पावर बायसिंग में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओके। तो फॉरवर्ड बायस में या शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट, यानी कि हम इसको स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं,
देन हम लोग टनल डायोड जो है उसको हम लोग बोलते हैं फास्टेस्ट स्विच और डिवाइस, बहुत तेज। फास्टेस्ट करने का मतलब क्या है, इसका स्विचिंग टाइम जो है बहुत कम होगा। जिस डिवाइस का स्विचिंग टाइम बहुत कम होगा वो डिवाइस जो है फास्टेस्ट हो, है ना, उस वो डिवाइस जो है फास्टेस्ट, मतलब तुरंत स्विच ऑन हो जाएगा, तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये फास्टेस्ट स्विच है जिसका स्विचिंग टाइम को हम लोग पीको सेकंड में मेजर करते हैं। पीको सेकंड यानी कि 10^-12 सेकंड, यानी कि 10^-12 सेकंड में जो है हम लोग इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। गॉट इट, ये सब याद रखेंगे। नाउ टनल डायोड जो है वो बेस्ड है उस प्रिंसिपल पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग इफेक्ट, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, है ना। अब टनलिंग इफेक्ट होता क्या है, इन अकॉर्डिंग टू द टनलिंग इफेक्ट द टनल डायोड हैज वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर, वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर यानी कि उसका विक्त बहुत कम होता है, और देयरफॉर चार्ज कैरियर जो होता है, ओके, चार्ज कैरियर विल बी पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग द वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर एट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड से जो है वहाँ पे वो चार्ज कैरियर क्या करता है, ओके, उस डिप्लेशन लेयर के विक्त को पेनिट्रेट करता है, ओके, एंड जैसा ऐसा फील होता है वहाँ पे एज इफ देयर इज ए टनल, बट ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा फील होता है कि वहाँ पे एक टनल बन गया है, मानो वहाँ पे एक टनल बना हुआ है, ओके, और वहाँ पे जो है वो चार्ज कैरियर तेजी से लाइट के स्पीड से जो है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की ओर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे टनलिंग इफेक्ट होता है, ओके, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि चूंकि ये वेलोसिटी के लाइट से बहुत तेजी से पार हो रहा है, और यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का विक्त भी आप देख रहे हैं 100 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम, यानी कि आपका जो है आप सोच लो 1 × 10^-8 मीटर है, 10^-8, ओके, दैट इज वेरी वेरी लो, ओके। तो वहाँ पे ऐसा फील होता है कि वहाँ पे टनल बना हुआ है और जिसके थ्रू चार्ज कैरियर तेजी से पास हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। ओके, नाउ अब ये टनल डायोड जो है वो निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में वर्क करता है, याद रखेंगे, ओके, निगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि निगेटिव रेसिस्टेंस जहां भी हम लोग बात करेंगे, एक आपका टनल डायोड है, दूसरा यूजेटी है, तीसरा गन डायोड है, आपको यूजेटी भी पढ़ना है, है ना। तो हम लोग टनल डायोड जो है दैट वर्क्स इन द निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इट इज द निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस। ओके, नाउ अब हम लोग जो है निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस को अगर हम लोग बात करना चाहें कि निगेटिव रेसिस्टेंस और पॉजिटिव रेसिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, तो जो भी पॉजिटिव रेसिस्टेंस डिवाइस होगा, ओके, वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, जो निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस होगा वो फॉलो नहीं करेगा, सिंपल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, बट यहाँ पे जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है बट ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, निगेटिव रेसिस्टेंस। कहीं भी अगर बोलता है कि दे हैव द नेगेटिव रेसिस्टेंस देन इट इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ओके, नेगेटिव रेसिस्टेंस वो मतलब नेगेटिव रेसिस्टेंस का होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज घटता है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घटता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो नेगेटिव रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ओके, नाउ तो पॉजिटिव रेसिस्टेंस को जो है जितने सारे कंडक्टिंग डिवाइस हैं, ओके, इट इज यूज इन एवरी कंडक्टिंग डिवाइस, जितने सारे कंडक्टिंग डिवाइस है सारे का पॉजिटिव रेजिस्टेंस होता है, बट जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग जो है माइक्रोवेव में यूज करते हैं, माइक्रोवेव में या एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ओके, जो आप आगे देखेंगे किस तरह से वर्क होता है।
नाउ आई थिंक नो प्रॉब्लम ओके अबाउट द टनल डायोड। अब हम लोग टनल डायोड का आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके टनल डायोड का याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आप बोलेंगे तो। टनल डायोड जो है उसको इस आग की डायोड बोलते हैं। टनल डायोड जो है वो आपका गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स का बना रहता है। टनल डायोड का डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत कम होता है। टनल डायोड जो है हैवली डोप्ड मटेरियल होता है ओके, जिसका डोपिंग लेवल जो है 1:10^3 है ओके। टनल डायोड दे हैव द नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ओके। टनल डायोड हैव द टनलिंग इफेक्ट ओके। टनल डायोड जिसमें चार्ज कैरियर जो है लाइट के वेलोसिटी से ओके मूव करता है या जंक्शन को पार करता है, एज इफ कि वहाँ पे टनल बना हुआ हो। अभी तक हम लोग यही बात किए ओके। अब अगर हम लोग इसके आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, है ना ओके। टनल डायोड का सिंबल, सॉरी ये टनल डायोड का सिंबल है, टी बनाना है, टी टनल डायोड, गॉट इट। ये टनल डायोड का सिंबल है। नाउ अब अगर इसके आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा। ओके इसका भी कट इन वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है। देखिएगा ये टनल डायोड का आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है ओके, जिसमें ये जो रीजन है आपका, जब वोल्टेज जीरो से वीपी के बीच में हो, याद रखेंगे पूछता है, दैट इज द ओमिक रीजन, ओमिक रीजन। और यहाँ पे टनल डायोड जो बिहेव करता है वो रेसिस्टर की तरह बिहेव करता है। ऑफकोर्स ओमिक रीजन लिनियरली पास हो रहा है, देन दे बिहेव लाइक द रेसिस्टर ओके। जब टनल डायोड का में वोल्टेज का जो रेंज होगा वो वीपी से वीबी के बीच में हो, देन दे बिहेव लाइक द ऑसिलेटर। और यही आपका नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देख रहे हैं इधर से इधर वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर से इधर बैंड क्या हो रहा है, घट रहा है ना। दिस इज द नेगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे टनल डायोड जो है वो ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है, दैट इज द नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। अगर वही वीबी से बड़ा हो वोल्टेज, इससे बढ़ रहा है ओके, देन दे बिहेव लाइक द नॉर्मल डायोड ओके। वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, नॉर्मल डायोड ना। अगर टनल डायोड में रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे, देन इट नॉर्मली वर्क एज द लीनियर डिवाइस ओके। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज आपका रिवर्स बायस में बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, इसके साथ और कुछ नहीं होना ओके। नाउ ये जो टनल डायोड है आपका, रिवर्स बायस में याद रखेंगे टनल डायोड लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करता है ओके।
नाउ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है ना, इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन टनल डाइवर विल एब्जिविट इन थ्री डिफरेंट रीजन, आपको दिखाया मैंने एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, आप देखेंगे एक करंट जो है, एक करंट का वैल्यू जो है वो तीनों रीजन में मिल रहा है, ये तीन रीजन में एक साथ वर्क करता है। ओके, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन द टनल डायोड विल एक्टिवेट इन थ्री डिफरेंट रीजन, जिसमें टनल डायोड जो है जो बिहेव कर रहा है तीन डिफरेंट रीजन, ये आपका पहला यहाँ से यहाँ ओमिक रीजन, यहाँ के यहाँ निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, और यहाँ से यहाँ आपका डायोड की तरह नॉर्मल डायोड, यहाँ पे ये ऑसिलेटर की तरह, और यहाँ पे ये लीनियर यानी कि रेसिस्टर की तरह बिहेव करते हैं। ओके नाउ, अब टनल डायोड जो है ऑपरेट हो रहा है जनरली वो निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है, तो निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में वर्क कर रहा है। ओके, यानी कि यहाँ पे ये जो इसका डिवाइस है, ओके, ये डिवाइस यहाँ पे आके ऑन होता है, दैट इज कॉल्ड पीक पॉइंट। ओके, यहाँ पे आके ऑन होता है और यहाँ पे आके ऑफ हो जाता है टनल डायोड, है ना। ऑफ होना, ऑन टू ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है, ओके, कि टनल डायोड का ये वर्किंग रीजन है जिसमें ये निगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे ये जाके ऑन होता है और यहाँ पे जाके ऑफ हो जाता है। ऑफ होना और ऑन इन होने का मतलब क्या है, तो वो जो ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहा है या निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वर्क कर रहा है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ऑन तो वो पहले से, बट वो पहले जो है लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है, रेसिस्टर की तरह वर्क कर रहा है, ओके, और वीपी के बाद, ये वीपी के बाद, इस वोल्टेज के बाद ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की तरह वर्क कर रहा है, और इस वीपी के बाद जो है नॉर्मल डायोड की तरह वर्क कर रहा है। तो नॉर्मल डायोड का फंक्शन लेने के लिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डायोड तो हमारा जनरल डायोड है, ओके। रेसिस्टर की तरह भी हम लोग इसको यूटिलाइज करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी रेसिस्टर लगा देंगे तो हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। हम लोग इसका यूटिलाइज कर रहे हैं ऑसिलेटर की तरह यूज करने के लिए, है ना, ओके, निगेटिव रेसिस्टेंस में वर्क करने के लिए। अब यहाँ पे टनल डायोड में देखेंगे इस रीजन में वोल्टेज जो है वीपी से बढ़ के वीवी हो जाता है, जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, और फॉरवर्ड करंट जो है आईपी से आपका जो है घट के आईबी हो जाता है, दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है ना टनल डायोड में, ओके, वीपी से भर के वीवी हो जा रहा है और आईपी से घट के आईबी हो जा रहा है, ओके। यहाँ पे टनल डायोड के आप देख रहे हैं कि कट इन वोल्टेज जो है, कट इन वोल्टेज यानी कि कट इन वोल्टेज यहाँ पे जीरो है, यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है आपका क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू होगा। बट नॉर्मल डायोड में क्या है कि जब तक नी वोल्टेज आएगा नहीं, जब तक 0.7 वोल्ट 1.2 वोल्ट आएगा नहीं, तब तक जो है उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो करेगा, ओके। नाउ कौन सा टनल डायोड अच्छा होगा, ओके, फॉर द गुड टनल डायोड आईपी और आईबी का रेशियो वो होना चाहिए ज्यादा, यानी कि पीक करंट का वैल्यू ज्यादा हो, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके, और वैली पॉइंट का वैल्यू जितना कम से कम हो सके। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रीजन इसका फैलेगा, उतना ज्यादा वोल्टेज लोग अप्लाई कर सकते हैं, उतना ज्यादा देख लिए जो है ये नेगेटिव रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है ना, ओके। नाउ इसका एडवांटेज ये है कि बहुत छोटा साइज का होता है, आराम से फैब्रिकेट कर सकते हैं, कॉस्ट बहुत कम होता है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है, ओके। नॉइज नहीं है क्योंकि यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल यूज कर रहे हैं, ओके, दैट इज अ टनल डायोड, ओके, एंड आई थिंक नो प्रॉब्लम।